बदलते मौसम के मद्देनज़र हुण पंजाब के कई इलाकों के विच ठंड महसूस होण लग पई है, क्योंकि पंजाब अते चंडीगढ़ विच रात पैण तों बाद ठंड पैणी शुरू हो गई है, जिस दरमियान पंजाब के फरीदकोट जिले विच हुण तक दा सब तों ठंडा मौसम दर्ज किया गया। इस दे नाल ही पंजाब के कई जिलों के विच घट्टो घट तापमान 16 डिग्री अते वध तों वध तापमान 19 डिग्री तक पहुँच गया है, जिस तों बाद मौसम के विच लगातार बदलाव वेखण नूं मिल रहा है। तुहानूं दस दी कि मौसम विभाग की रिपोर्ट मुताबिक 27 अक्टूबर तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, जिस तों बाद 30 अक्टूबर तों बाद मौसम दे विच बदलाव की संभावना है। इसदे नाल ही पंजाब विच तूफान अते मीह पैण की काफ़ी संभावना है। बदलते मौसम के नाल नाल कई शहरां अते सूबयां दे विच प्रदूषण भी शुरू हो गया है। तो मिली मौसम की जानकारी संबंधी मौसम माहरां ने पंजाब के कुछ थावां ते अज अते दो दिन अगे दे दिनां तक भी मौसम दे विच बदलाव की पेशनगोई की, जिसनों लैके सवेरे शाम ठंडिया हवावं चलनियाँ, शीतलहर की पेशनगोई की। इस ही बदलवाई के भी आसार मौसम माहरां दे वल्लों दसे गए हैं। इस ही हुण गल करांगे पड़ोसी सूबा हरियाणा की। मौसम विभाग मुताबिक हरियाणा का तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा के मौसम साफ रहेगा, हालांकि कुछ थावां ते बदलवाई के आसार जरूर हैं, कितने बूंदाबांदी भी हो सकती है। घट्टो घट तापमान की जेकर गल करिए हिसार के दर्ज किया गया, जिथे 16 डिग्री रात का तापमान दर्ज किया गया, वध तो वध 29 डिग्री सैलसीयस तापमान दर्ज किया गया। 25 अक्टूबर तो बाद मौसम विच बदलाव हो सकता है। 30 अक्टूबर तो बाद कुछ इलाकों के हल्की बरसात होने की संभावना है। तो यही मौसम की पेशनगोई पंजाब के नाल हरियाणा के विच भी की गई है। तो गल कर लेने हैं पहाड़ी सूबा हिमाचल की। हिमाचल के विच भी हुण मौसम पूर्ण रूप के नाल बदलता जा रहा, क्योंकि कई थावां ते शीत लहरां चल रही हैं अते कुछ थावां ते उपरले पहाड़ी इलाकों के बर्फबारी का दौर भी उत्तराखंड हिमाचल अते लाहौल स्पीति वल शुरू हो चुका है, जिसका असर मैदानी इलाकों के पै रहा है, जिस दे नाल हुण मौसम बिल्कुल ठंड के विच तब्दील होवेगा। हरियाणा पंजाब सने उत्तर भारत के विच सवेरे शाम की जेकर गल करिए हुण मौसम के विच बहुत वड्डा परिवर्तन देखन नूं मिल रहा, आउण वाले दिनां दे विच पूर्ण तौर तो सर्दियों के वल असीं रुख कर लवांगे। अजिहे च सचखंड परिवार तुहानूं सारिआं नूं अपील करदा है, क्योंकि जिस तरीके दे नाल मौसम दे विच बदलाव हुंदा है तां अजिहे मौसम दे विच मौसमी बीमारियां फैलन दा खतरा ज़्यादा बनता है, क्योंकि खंघ जुकाम सिरदर्द मच्छर फैलदा है इस मौसम दे विच, अते उस तों बाद डायरिया मलेरिया ये तमाम जिहड़ियां बीमारियां मौसमी बीमारियां बनदियां हन। अजिहे च साफ सफाई अपने इलाके च घर दे विच रखो, ताकि असीं इस बदलदे मौसम दे विच बीमारियां तों दूर रह सकीए।